ये देखिए जो आपको दिख रहा है ना, ये मंदिर, ये है हमारा जयपुर का अक्षरधाम मंदिर। और यहाँ पे कुछ चौपाटी इस तरफ से लग जाती है, इधर से चौपाटी छोटी मोटी है, देखना ये देखिए छोटी मोटी चौपाटी, ये देखिए ये है मंदिर। दादी दादी कैसे हो? दादी कैसे हो? पूछो कैसे हो, मैं बलून फुलाऊंगी। हाँ बलून दिखा दो अपना, ये मेरा बलून, माने का बलून, माने का बलून। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम अगेन टू माय चैनल ज्योति कुबेर व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिलीज के साथ मस्त होंगे। तो टाइम बज गया एग्जैक्ट 8 o'clock हो गया देखिए, और मेरी सब्जी बन चुकी है। वीडियो ऐसे पता नहीं क्यों झिलमिल झिलमिल सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरी सब्जी बन चुकी है और आटा लगा दिया है मैंने, पेड़ों में पानी दे दिया है, कुछ सब्जियाँ ली थी उनको वॉश भी कर दिया है। और बस अब जा रही हूँ मैं कहीं, तो कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और प्लीज़ 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 वीडियो को फुल वॉच करें। जब आप फुल वॉच करेंगे तभी सपोर्ट मिलेगा। और आज मैंने लगाई है, इस हाथ में भी लगाई थी, ये देखिए पता नहीं आपको सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये क्या है, आज ही लगाई थी। और ये मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी ने लगाई थी, तो जैसी भी लगाई मैंने कहा ठीक है, हाथ लाल होने से मतलब है। बट मुझे मेहंदी का वाकई में बहुत शौक है, बट अभी क्या है टाइम नहीं मिल पाता, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत तो अपने हाथ से भी लगा लेती। तो बस अब जा रही हूँ, और मैं जा रही हूँ वॉक करने, जो मैं आपको सही बताऊँ मैं जा रही हूँ वॉक करने। तो मैंने कहा चलो वॉक करने जा रहे हैं तो आपके साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं वॉक करने। वैसे हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हस्बैंड हंस रहे हैं पीछे से, क्योंकि मैं आपको सही बता देती हूँ मैं वॉक करने डेली नहीं आज जा रही हूँ। आज इसलिए जा रही हूँ क्योंकि आज मैं फ्री हो गई हूँ टाइम से, और ये एकेडमी से जल्दी आ गए थे इसलिए। अगर ये देर में आते हैं तो नहीं जा पाते हैं, ये अकेले चले जाते हैं, बट आज ये जल्दी आ गए थे और मेरा काम भी ऑलमोस्ट सारा हो चुका, बस रोटियां सेकनी है तो रोटियां आके सेक लूँगी। तो मैंने कहा चलो वॉक कराते हैं, और वॉक करने जा रहे हैं तो बस वॉक करेंगे। और वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाऊँगी, जहाँ ना हम लोग जाएंगे जो भी एरिया पड़ेगा वहाँ पे, या जो भी मार्केट पड़ेगी वो दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फिर तैयारी करते हैं, मास्क लगा लेते हैं और चलते हैं वॉक करने। आप भी चलिए हमारे साथ वॉक करने। तो ये देखिए आज लगाई है मेहंदी, ज़्यादा नहीं लगाई है, बस थोड़ी सी लगाई है। ये देखिए सावन चल रहा है ना, तो सावन में मेहंदी लगाना तो बनता ही है। और इस हाथ की भी दिखाती हूँ आपको मैं, ठीक है? ये देखिए, और चूड़ी पहनी है मैंने, हरी हरी चूड़ियाँ पहनी है, देखिए अच्छी लग रही ना, ये देखिए। इसमें ये बच्ची ने लगाई है, मेरी फ्रेंड है ना, उनकी बेटी ने लगाई है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया है एक गोल चौराहा, और एक उधर जाती है, एक जाती है, आ गई मैं वॉक करने निकलती हूं, एक साइड में जाती है, और आपको छोटे मोटे मार्केट जिधर से हमारे आकर देखते हैं। तो ये देखिए घर से कुछ दूरी में ही ये है एक जनरल स्टोर, जहाँ से हम दूध लेते हैं। और ये है बहुत ही प्यारा सा शिव जी का मंदिर, बट पुजारी जी इस मंदिर बंद करने जा रहे थे इसलिए। और ये है बुटीक, लेडीज़ जेंट्स सबका सब, मतलब अच्छा मार्केट है घर के पास में ही, घर से बाहर बस गली से बाहर निकलते ही हमारे कुछ इस तरीके से मार्केट है। आधी से ज़्यादा दुकानें अभी जल्दी बंद हो जाती हैं कोविड की वजह से। और ये जो सीधे आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड पर हम जाएँगे वॉक करने, और आगे चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। और ये देखिए एक सर्कल्स आ गया रिंग रोड, जो ये चार हिस्सों में बटी है रोड, चार तरफ चारों दिशाओं में जाती है। देखिए मैं आपको वही दिखा रही हूँ, फ्रंट पे राइट लेफ्ट और हमारे बैक में। तो ये हम लोग वॉक कर रहे हैं यहाँ पे, और करीब 3 किलोमीटर हम लोग ने वॉक किया था, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम यहाँ से गए थे चित्रकूट एरिया पड़ता है वहाँ तक गए थे। वहाँ पे है बहुत ही प्यारा सा मंदिर जो अभी आगे आपको दिखेगा, बट मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि मंदिर के किवाड़ बंद हो जाते हैं, बस आप बाहर से आप उसका उसको देख सकते हो। तो बस ये है कुछ इस तरीके से मार्केट है, और अभी कोविड की वजह से इतना फिर भी कम है, नहीं तो बहुत रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये देखिए हम आ गए मंदिर में, तो ये है जयपुर का चित्रकूट एरिया में जो मंदिर है, इसका नाम है अक्षरधाम मंदिर, स्वामी नारायण का मंदिर है। तो इसकी काफ़ी ब्रांचेस और भी जगह हैं, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, ये बहुत ही मंदिर है, प्लस गार्डन भी है इसमें,
और काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको ज़रूर किसी दिन अंदर से ज़रूर दिखाऊंगी। और ये है चौपाटी जो लग जाती है यहाँ पे, और इसमें इतना रश रहता है, इतना रश रहता है, बट अभी कोविड की वजह से फिर भी रश है, बट इतना नहीं है, नहीं तो रोड में जाम हो जाती है रोड। और ये देखिए यहाँ पे बहुत ही सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, बट अभी कोविड की वजह से हम नहीं खा सकते। ये है अक्षरधाम का इंट्रेंस, ये देखिए यहाँ से अंदर जाते हैं, और यहाँ पे शोरूम है कपड़ों का, काफ़ी अच्छा है इसमें क्वालिटी और बहुत अच्छी कपड़ों की। और ये देखिए चौपाटी, ये देखिए आइसक्रीम, मोमोज, पानी पूरी और बच्चों के लिए बलून, और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है ये, बहुत ही खूबसूरत। इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो इसमें काम किया हुआ है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। तो ये देखिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े एरिए में है, और काफ़ी सारे कारीगरों की मेहनत है इस मंदिर को बनाने में, और बहुत ही खूबसूरत है, ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो हम लोग वॉक करने यहाँ तक आ गए थे आज, पैदल वॉक करते करते हम यहाँ आ गए, हमने कहा चलो वॉक कर रहे हैं, तो आज आपको एक मंदिर की बाहर से झलक दिखाते हैं। और अगर आपको इसके अंदर की भी झलक देखनी है, अंदर भी देखना है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर अपने आने वाले व्लॉग में आपको इसको अंदर से दर्शन कराऊंगी। स्वामीनारायण मंदिर का बहुत ही खूबसूरत है, और अभी देखिए कम भीड़ दिख रही होगी अंदर, क्योंकि जितने लोग हैं बस वही अब हैं अंदर, और वो भी अब बाहर आएंगे। और ये देखिए मैं रुक गई हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ये देखिए कितने बढ़िया से मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है, और काफ़ी लोग इसमें यहाँ बाहर से आते हैं इस मंदिर को देखने, क्योंकि जयपुर वैसे भी फेमस है टूरिस्ट प्लेस के लिए, तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं बाहर से इसको देखने के लिए। और तो मैं भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी, बट अगर आपके कमेंट होगा, आपका रिक्वेस्ट होगी, तो बहुत जल्दी दिखा दूँगी आपको ये मंदिर, अदरवाइज़ मैं जब जाऊंगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। इसके लिए हमें टाइम से घर से आना पड़ेगा। और ये देखिए वो वहाँ तक का इसका एरिया पूरा है, और अंदर काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये, काफ़ी मतलब जो यहाँ के पुजारी हैं वो जो है यहीं रहते हैं। और अब हमने ले ली है वापसी, तो ये देखिए वापसी के समय तो बिल्कुल भी दुकानें सारी ही बंद हो गई, ऑलमोस्ट बहुत कम दुकानें ओपन हैं, सब बंद हो गई हैं। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, वॉक करके आ गए हम। और मैं गई थी 8 बजे गई थी, 8:45 बज रहा है, मैंने आज इतनी देर वॉक करी, और आप देखो स्वेटिंग मेरे को कितनी ज़्यादा हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। और बस वॉक कराई हूँ, अब मुझे सेकनी है रोटियाँ। हाँ, मानू भी हमारे साथ गई थी, माही भी गई थी, हम लोग बहुत मतलब बाहर का था अच्छा लगा, बट लेकिन अभी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं बाहर से, देखिए स्वेटिंग कितनी हुई, बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि कोविड है आपको पता है। तो बस हम लोग वॉक करके आ गए, अब मैं रोटी बनाऊंगी। मानो यहाँ सबको बाय करना है, चलो चलो ये बाय, ऐसे नहीं, पहले राधे राधे बोलो। दादी दादी कैसे हो? राधे कैसे हो? पूछो कैसे हो, मेरे को बलून फुला दी। हाँ बलून दिखा दो अपना, ये मेरा बलून, वान्या का बलून। तो बस यही था, मैंने कहा छोटा सा एक व्लॉग आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको बाहर का, अपने आसपास का ही दिखाया है मैंने, बहुत ज़्यादा दूर का नहीं दिखाया, आसपास का ही दिखाया है, मतलब 1.5 किलोमीटर मान के चलिए इतना हम लोग गए थे वॉक करने, और उतना ही हम लोग वापस आए, मतलब 3 किलोमीटर हम लोग चले और थक गए बहुत ज़्यादा। अब मैं सीखूँगी रोटी, मानू देखो कैसे मुँह बनाया, कैसे मुँह बनाया। तो चलिए अगर अच्छा लगो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। माही देखिए कैसे वो बना रही, चलो फिर बाय बाय बोलो, बाय गुंतियाँ बोल दो, बाय बाय, राधे राधे।